चावल नहीं है, कुछ नहीं है, बिहार तो बंद कर ले सरकार, तो कहाँ से कमा खाएंगे। तो घर कैसे क्या करते हैं इसको? पहले पहले चमार छीलते हैं, फिर इसको मुंह में लकड़ी में घुपते हैं, तब तो पकाते हैं, तो खाते हैं। और पहले इसमें पकड़ते हो, इसमें गड्ढे में से? हाँ, इतना से पकड़ते हैं, खाते हैं। क्या गुरु से पकड़ लेते हो? ये इतना में पकड़ लेते हैं खाए भर। अच्छा, की नाम हो तुहर? अभिषेक कुमार। पढ़ा उड़ा मिलन टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं असरार अहमद। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 16,116 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1324 नए मामले सामने आए हैं और 31 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना से अब तक 519 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 2302 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। अब बात करते हैं दिन की बड़ी खबरों की। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश जिला टांडा की, जहां एक गरीब को पुलिस की जानिब से इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। बाप मजबूर होकर पुलिस वालों के सामने जमीन पर गिर पड़ता है। क्या योगी जी इस बाप को इंसाफ दिला पाएंगे या फिर इस पुलिस वाले पर भी एनएसए के तहत कार्रवाई करेंगे? आप क्रोनोलॉजी समझिए। अमीरों के बच्चे बसों से लाए जा रहे हैं, नेताओं के बच्चे शादी कर रहे हैं, गरीबों को लॉकडाउन के उल्लंघन में जान से मारा जा रहा है। कोटा में पढ़ाई करने वाले रईस जादों पर मेहरबानी और भूखे प्यासे मजदूरों पर लाठी, आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों और कब तक? इरफान पठान एमआईएम नेता ने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस वालों पर मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सूरत में फिर से मजदूर रोड पर निकल आए, उनके पास खाने के सामान नहीं, पैसे नहीं हैं जिससे कि राशन खरीद सकें, भूखे प्यासे जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इनके लिए बसों का इंतजाम नहीं किया जाएगा क्योंकि ये गरीब लोग हैं। क्या सिर्फ कोटा में पढ़ने वाले अमीर बाप के बेटे एसी बस में बैठकर घर जा सकते हैं? कोटा के कोचिंग विद्यार्थी घर जा सकते हैं, उनके लिए यूपी सरकार 300 बसों की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन मजदूरों के लिए बसें नहीं चलाई जा सकती। उनको आना है तो पैदल आएंगे, सड़कों पर लाठियां खाएंगे, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जिंदा बचे तो शायद घर पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिए, मध्य और उच्च मध्य वर्ग के लोग आज बेहतर स्थिति में हैं। वो अपने बच्चों को ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए कोटा में रहना उतना मुश्किल नहीं था जितना किसी मजदूर के लिए किसी शहर में रहना। मजदूरों के पास न काम है, न पैसा है, न ही रहने का ठिकाना, लेकिन मंत्रियों को उनकी चिंता नहीं है। सरकारी भेदभाव का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? और हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनको गरीबों की सबसे ज्यादा चिंता है। क्या यहाँ पर किसी को कोरोना नहीं है? ये वीडियो उसी कोटा की है जहाँ से स्टूडेंट्स को लाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दलाल मीडिया में अब इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि वो इस चीज पर डिबेट कर सके, क्योंकि ये अमीर के बच्चे हैं। कोटा से उत्तर प्रदेश जाने वाले अमीर पिता के छात्र बेटों की भीड़ में कोरोना नहीं फैलेगा, क्योंकि कोरोना सिर्फ गरीब मजदूर के घर जाने की मांग से ही फैलता है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन इन्हीं के सहयोगी भाजपा के विधायक अनिल सिंह को पास कैसे मिल गया? क्या सिर्फ इसलिए कि वो गरीब का बेटा नहीं था, एक विधायक का बेटा था, उसको पास दे दिया गया और वो अपने बच्चे को बिहार ले गए? जिस दिन मुरादाबाद में घायल मेडिकल टीम की खबरें सनसनी बनाकर चैनलों पर चलाई जा रही थी, उसी दिन मुरादाबाद के ही टीएमयू हॉस्पिटल में एक कोरोना योद्धा मौत के मुंह में समा गया, लेकिन उसकी खबरें देश को पता तक ना चल सकी। मुरादाबाद से 27 किलोमीटर दूर रामपुर के कुंवर पार पड़ोस के एक गांव के सैनिटाइजेशन का काम कर रहे थे,
कुछ बूंदे इंद्रपाल और उसके साथियों पर गिर गई। पहले तो इस कोरोना योद्धा को पीटा गया और फिर उसे सैनिटाइजर पिला दिया गया। हालत बिगड़ी तो मुरादाबाद लाकर TMU में भर्ती किया गया, जहां इस योद्धा की मौत हो गई। सोचिएगा कि क्या मीडिया रत्ती भर भी निष्पक्ष है। यह खबर सनसनी नहीं बनी क्योंकि इसमें कोई मसाला नहीं था। मीडिया को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म को, वो मुसलमान होना चाहिए, तभी वो डिबेट करेगा। प्यारे भारत के खून रुला देने वाली तस्वीर, बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन होने की वजह से आज देश का गरीब कीड़े मकोड़े खाने पर मजबूर हो गया है। ये वीडियो जहानाबाद की है। पेट की आग के आगे विवश होकर भारत का भविष्य मेढक को अपने हलक से नीचे उतार रहा है। चावल नहीं है, कुछ नहीं है, बिहार तो बंद कर ले सरकार, तो कहाँ से कमा खाएंगे? तो घर घर ना हो अनाज नहीं है, ये खाते हैं 4 रोज से 5 रोज से। कैसे क्या करते हैं इसको? पहले चावल छीलते हैं, फिर इसको मुंह में लकड़ी में घुपते हैं, तो पकाते हैं तो खाते हैं। और पहले इसमें पकड़ते हो इसमें गड्ढे में से? हाँ, इतना से पकड़ते हैं खाते हैं। क्या गुरुज पकड़ लेते हैं? ये इतना पकड़ लेते हैं खाए भर। अच्छा, की नाम हो तुहर? अभिषेक कुमार। तो पढ़ा उड़ा ही कि ना? पढ़ते हैं। पढ़ा ही, स्कूल बंद है? स्कूल बंद है, सरकार बंद कर ले ये था। ठीक है। स्कूल में ना खा ली? नहीं खाते थे, ये खाते हैं, स्कूल बंद है। चमगादड़ों को हजम करके कोरोना पैदा करने वाले चाइनीज मानव जाति को मौत के द्वार पे ले आए हैं। मास्क के पर्दे में मुंह छिपाए हम जिंदगी के फिर से खुशहाल होने की आस में खुद को घरों में कैद किए बैठे हैं। मेढक को निवाला बनाने वाले ये भूख के सताए नन्हे मासूम अगर किसी बीमारी को जन्म देते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मौत भूख का मुखौटा ओढ़े गरीबों की जान ले रही है और अमीरों को है तो कोरोना का खौफ है। अचानक लॉकडाउन हो जाने की वजह से देश का जो गरीब मध्य वर्ग है वो बहुत ही परेशान है। उसके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, राशन खत्म हो गया है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी चलना बहुत ही मुश्किल हो गई है। वो आज कीड़े मकोड़े खाने पर मजबूर हो गया है, लेकिन सरकारें इनकी नहीं सुनेंगी। अगर सुनी जाएगी बात तो अमीरों की सुनी जाएगी, उनके लिए बसें भेजी जाएंगी, लेकिन गरीबों के लिए कोई बस नहीं चलाई जाएगी। उन्हें रहना है तो उसी राज्य में रहना है, उस राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर जाने की कोशिश भी करेंगे तो लाठियां बरसाई जाएंगी, जेल में डाल दिए जाएंगे।